फिजिक्स का हमारा पहला हेडिंग है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले वन डायमेंशनल, फिर टू डायमेंशनल और फिर रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग वन डायमेंशन शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग एक पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन क्यों होता है इसके बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका हर पार्ट वाइब्रेट करता है, या कुछ पार्ट रोटेट करता है, या कुछ ट्रांसलेट करता है, कुछ ऑसिलेट करता है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम उसके मोशन को एक साथ, क्योंकि मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस मोशन को समझने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकल जैसा ट्रीट करेंगे। पार्टिकल का मतलब जो होता है कि पार्टिकल का मतलब एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस चीज को हम पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत छोटा हो। पार्टिकल का मतलब होता है एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, वो बहुत छोटा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर हम ये एक तारे को देखें, ये तारा अगर हम धरती पे मान लो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे अगर हम इस तारे को देखें तो ये तारा हमें कैसा दिखता है? ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है, एकदम पॉइंट, एक छोटा सा पार्टिकल दिखता है। बट हमें पता है ये तारा जो है एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो है ये धरती के साइज से भी कई गुना बड़ा होगा। तो स्टिल हम इस तारे को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब हम इस तारे को देख रहे होते हैं उस समय हम ये अर्थ और तारे के बीच के दूरी के से इसके साइज को कंपेयर कर रहे होते। तो अगर इस स्टार और इस अर्थ के बीच के दूरी के हिसाब से हम इस तारे का बात करें, तारे के साइज का बात करें, तो ये तारा हमारा क्या होगा, एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। या दो तारा ले लो, दो तारे के बीच का दूरी अगर हम देखें तो ये कई लाइट ईयर्स में होता है, और उस हिसाब से ये तारे का साइज क्या हो जाएगा उस समय, नेग्लिजिबल। तो इसलिए इस तारे को हम लोग पार्टिकल जैसा ट्रीट करते हैं। अगर हम मान लो अर्थ और मून के बीच का दूरी का बात कर रहे हो, तब भी हम अर्थ को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। बट अगर हम अर्थ पे मान लो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का बात कर रहे हैं, तो फिर अर्थ को हम लोग पार्टिकल ट्रीट नहीं करते। तो पार्टिकल के लिए ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमारे पास ये एक कार है, ये कार का लेंथ मान लो, द लेंथ ऑफ दिस कार मान लेते हैं कि इस कार का लेंथ है मान लेते हैं 2.5 मीटर। इस कार का लेंथ जो है 2.5 मीटर मान लेते हैं। अब अगर ये कार ऐसे चल रहा, मान लो हॉरिजॉन्टली ये कार यहां से चलता चला गया, चलता चला गया। अब मान लो ये कार यहां से चल करके अगर ये कार मान लो 50 किलोमीटर दूर चला गया, अगर ये कार 50 किलोमीटर दूर चला गया तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कार कितना दूरी चला है? तो हम बोलेंगे कार जो है एक्चुअली 50 किलोमीटर चला है। हम उस समय इस कार के साइज को नेग्लेक्ट कर देते। बट अगर मान लो ये कार 10 मीटर चलता, अगर ये कार 10 मीटर चलता तो उस केस में हम कार के साइज को नेग्लेक्ट नहीं करते, फिर हम बोलते कि भैया ये कार का जो हेड है वो 12.5 मीटर दूर है और कार का जो बैक है वो 10 मीटर दूर है। इस हिसाब से हम बताते भाई उस सिचुएशन, एक सिचुएशन में हम कार को पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। बट अगर सिचुएशन बदल गया, मान लो अगर दूरी जो है, लेंथ जो है 100 मीटर 200 मीटर अगर है, तो उस सिचुएशन में हम कार को पार्टिकल नहीं ट्रीट कर सकते। बट यही दूरी अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर है, तो उसके कंपैरिजन में ये कार को हम लोग पार्टिकल जैसा ट्रीट करेंगे। तो इसलिए पार्टिकल का हम पहले फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग पार्टिकल के मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, इसमें हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब An observer will call the motion translational if each part of the body cover same distance in same time, or the frame fixed to the body and observer move parallel. Bodies that have only translational motion behaves like particle. Translational motion का मतलब जैसे हम समझने का कोशिश करते हैं, जैसे मान लो ये एक कार है, अगर इस कार में एक observer ये जमीन पे बैठा हुआ और ये एक कार है, इस कार में अगर हम एक frame लगा दें, coordinate system लगा दें, x y x dash y dash z dash, और ये ऑब्जर्वर के पास एक फ्रेम है मान लो एक्स वाई और जेड, ये ग्राउंड पे फिक्स है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठी हुई है। अब अगर मान लो कार, ये जो कार है, ये कार अगर मान लें कि यहां से चलना स्टार्ट करा, ये कार यहां से चलता गया ऐसे करके कर्व पाथ पे ऐसे घूमते हुए किसी टाइम टी पे ये कार यहां पे, उसके थोड़ी देर बाद ये कार चलते हुए फिर कहीं यहां पहुंचा टी डबल डैश टाइम पे, और ये कार का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कार के बॉडी के साथ फिक्स्ड है वो जो है वो इस तरह से चले कि थोड़ी देर बाद कार जब फाइनली यहां पहुंचे, तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, अगर ऑब्जर्वर का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, और अगर इस कार में जो एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम
इसके इसके कोऑर्डिनेट के एक्सिस के पैरेलल रहता, मतलब इसका ऑब्जर्वर का एक्स एक्सिस और इस कार का एक्स एक्सिस, ऑब्जर्वर का वाई एक्सिस और इस कार का वाई एक्सिस, अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ये तीनों एक्सिस अगर इस तीनों के पैरेलल रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, तो इस कार के मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशनल मोशन जब अगर कार करता है तभी हम कार को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। नाउ ट्रांसलेशनल मोशन भी जो है दो तरह का होता है, पहला एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये कार है, ये कार यहां चलते हुए सीधा ऐसे चली गई। अब अगर हम इस कार का बात करें, अगर इस कार का तीन पॉइंट लें, अगर कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, अगर ये पार्टिकल यहां पे आ गया, ये बी यहां पे आ गया और सी यहां पे आ गया, और अगर ये तीनों पार्टिकल जो कार पे फिक्स था, अगर ये तीनों पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, अगर सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, कहीं कोई बेंड नहीं होता है, इस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन को जनरली हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा कार हो गया, अगर कार स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और इसका हर पार्टिकल, कार का हर पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है, स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर और वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। ना उसी तरह से अगर मान लो कर्विलिनियर का एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर ये कार इस तरह से चल करके ऐसे घूम करके यहां पहुंचा, बट इस कार का अगर हर पार्टिकल, ये कार का पार्टिकल ए था, ये कार का पार्टिकल बी था, ये कार का पार्टिकल सी था, अगर किसी इंस्टेंट पे देखें, किसी टाइम टी पे देखें, तो कार का ये तीनों पार्टिकल का वेलोसिटी जो हो, ये तीनों का वेलोसिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम अगर पैरेलल हो, हमेशा ही ये तीनों वेलोसिटी पैरेलल हो, बट ये जो है ये पार्टिकल ए बी और सी स्ट्रेट लाइन में न चल के कर्व में चला हो, और ये तीनों पार्टिकल अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हो और हर इंस्टेंट पे इन तीनों का वेलोसिटी अगर पैरेलल रहा हो और मैग्नीट्यूड भी सेम रहा हो, मतलब वेलोसिटी फिक्स रहा हो, सेम रहा हो तीनों का इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि ये कार जो है कर्विलिनियर मोशन में चल रहा है। और इस कर्विलिनियर मोशन को जनरली हम लोग टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन भी कई बार बोलते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ मोशन का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन होता क्या। जैसे मान लो कि ये एक मोशन है, ये एक पार्टिकल है पी, अगर हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड और अगर पार्टिकल ऐसे चला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि जो पार्टिकल है ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला जा रहा है, तो ये हमारा हो गया वन डायमेंशनल मोशन। बट अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, मोशन तो पार्टिकल का वही रहा, डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वही रहा, बट हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा घुमा दिया, मान लो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कर दिया, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ऐसा लगेगा कि पार्टिकल का जो मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें फील होगा कि ये पार्टिकल का मोशन टू डायमेंशन है। और अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा और घुमा दें, मान लो ये एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डबल डैश ऐसा कर दें, बट पार्टिकल का मोशन वेलोसिटी तो इसका वही रहा, ठीक है, और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा चेंज कर दिया कि अब हमें ये लग रहा है कि ये थ्री डायमेंशनल मोशन है, बट मोशन ऑफ पार्टिकल, ये तीनों फ्रेम, हमारे फ्रेम चेंज करने से हमें लग रहा है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से ऐसा लग रहा है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मोशन वन डायमेंशन है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही मोशन टू डायमेंशन, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही मोशन, क्योंकि इसका vx भी है, vy भी है और vz भी है, तो हम ये vx है, ये vy है और ये vz है, तो हमें लग रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये मोशन जो है थ्री डायमेंशनल है, बट एक्चुअली ये अगर मोशन तीनों को देखें तो दिस मोशन इज ओनली वन डायमेंशनल मोशन। ये तीनों डायमेंशन ऑफ मोशन इस तरह से डिफाइंड होता है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मिनिमम डायमेंशन ऑफ मोशन होता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ मोशन। सो जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हमेशा वन डायमेंशनल मोशन ही होता है, क्योंकि वो हमेशा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं ना कहीं वन डायमेंशनल हो जाएगा, तो मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ मोशन जो होता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी को हम लोग डायमेंशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा मोशन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन ना हो करके ये तीनों मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। ये हमारा टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन नहीं है, ये भी वन डायमेंशन ही है,
दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशन, दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशन. मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन जो होता है वही डायमेंशन ऑफ मोशन होता है, भले ही वो एक्स वाई जेड एक्सिस में क्यों नहीं मोशन कर रहा. अब इससे हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग डिफाइन करेंगे काइनेमेटिक्स का. नाउ पहला टर्म जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं. रेफरेंस फ्रेम जैसे अभी हम बोल भी रहे थे, रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है जहां बैठ के एक ऑब्जर्वर मान लो यहां बैठ के कैलकुलेशन करेगा तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लेता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां भी वो बैठ करके लगाएगा तो इसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं. फ्रेम का मतलब होता है जहां से बैठ के हम कंपैरिजन करते हैं, और रेफरेंस फ्रेम जहां बैठ के हम कैलकुलेशन करते हैं. तो अगर एक ऑब्जर्वर इस फ्रेम में यहां बैठ के और एक्स वाई जेड एक्सिस यहां बैठ के सारा मेजरमेंट कर रहा है तो इसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे उस ऑब्जर्वर का. अगर मान लो कोई गाड़ी में बैठ के कैलकुलेशन कर रहा है तो गाड़ी के हिसाब से वो सारा चीज बताएगा तो गाड़ी उसके लिए रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा. कोई बिल्डिंग पे बैठ के कैलकुलेट कर रहा है तो बिल्डिंग उसका रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा. तो ये हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है. अब एक ऑब्जर्वर मान लो यहां बैठा, इसमें दूसरा टर्म है हमारा डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब जैसे मान लो एक कोई पार्टिकल है t इज इक्वल टू जीरो पे, एक पार्टिकल यहां पे है. अब ये पार्टिकल यहां से चल करके अगर ये ऐसे चलते चलते कहीं यहां पे पहुंचा किसी टाइम t पे, t इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल यहां पे था a पे था और चलते चलते ये पार्टिकल थोड़ी देर में b पे पहुंचा, तो ये जो लेंथ पार्टिकल चला इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल. यहां पे टी टाइम यहां पहुंच गया, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस जो है मेजर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जिस रास्ते पे चला, डिस्टेंस मेजर करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि ये पार्टिकल जिस रास्ते पे चला हम उस रास्ते पे एक धागा रख देंगे, धागा रखते जाएंगे और फाइनली जब यहां तक धागा आ जाएगा तो उस धागे को हम उठा करके और उस धागे का लेंथ मेजर कर लेंगे. सो ये जो लेंथ होगा दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. सो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ये जो लेंथ चलेगा, डिस्टेंस का यूनिट जो होता है ये मीटर होता है या कई बार किलोमीटर में बताते हैं, कई बार नैनो स्मॉल डिस्टेंस को नैनोमीटर माइक्रोमीटर या कई बार एंगस्ट्रॉम में बताते हैं, बड़े डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर लाइट ईयर में बताते हैं. इस तरह से ये डिस्टेंस का अलग अलग यूनिट है. दूसरा टर्म हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट एंड पोजिशन वैक्टर. अब डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर को पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर समझेंगे. पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, एक वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर के पार्टिकल के पोजीशन पे खत्म हो. अगर एक वेक्टर ओरिजिन से शुरू होके ये पार्टिकल के पोजीशन पे खत्म होता है, ये हमारा एक वेक्टर जो कि ओरिजिन से शुरू होके पार्टिकल के पोजीशन पे खत्म हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होके पार्टिकल के पोजीशन पे खत्म हो, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ये हमारा फाइनल पोजीशन है तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब एक वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू हो और पार्टिकल के पोजीशन पे खत्म हो, इस तरह के वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. और अगर ये पार्टिकल के किसी इंस्टेंट के पोजीशन पे खत्म होता है, किसी टाइम टी डैश के पोजीशन पे खत्म होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर. अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल इनिशियल पोजीशन वेक्टर से लेकर के अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें जो इनिशियल पोजीशन से शुरू होके पार्टिकल के फाइनल पोजीशन पे खत्म हो, इस तरह के वेक्टर को जो इनिशियल से शुरू होता है, अगर एक वेक्टर हम ड्रॉ करें यहां से यहां तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर. कई बार लोग ये समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता है.
डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और ये डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअली स्केलर। तो एक वेक्टर और एक स्केलर कभी बराबर हो ही नहीं सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज एक्चुअली चेंज इन पोजिशन वैक्टर। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन वैक्टर आर एफ माइनस आर आई, और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, जो डिस्टेंस का यूनिट है वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट है। पोजिशन वैक्टर और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज है। इसके बाद चौथा टर्म हम लोग यूज करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड डिफाइंड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड जो है एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या फीट पर सेकेंड, जो भी इस तरह का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, कब तेज चला कब धीरे चला, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि कितना दूर चला और कितना समय लगा, इन दोनों के रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है दैट इज डीएस बाई डी टी। डीएस बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। किसी इंस्टेंट का स्पीड जो है डीएस बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। किसी इंस्टेंट का, जब मान लो गाड़ी तेज चल रहा होगा तो उस इंस्टेंट का स्पीड बोलेंगे ज्यादा है, और जब रुका हुआ होगा तो बोलेंगे कि उस इंस्टेंट का स्पीड उसका क्या है जीरो, जबकि एवरेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये दोनों ही एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। अगला टर्म है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइंड है वी एवरेज, इसको लिख देते हैं कई बार, ये जो डिफाइंड है ये डिफाइंड है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है, बट ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डीएस बाय डीटी लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डीएस बाय डीटी बोलते हैं, कई बार इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज डी आर बाई डी टी। यहां पे आर क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेट इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डीएस बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी तो होगा, बट डी आर आई, आर आई तो हमारा फिक्स क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। सो डीएस बाई डी टी हमेशा डी आर बाई डी टी के बराबर होता है। सो ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है ये हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, उसी इंस्टेंट का स्पीड बताएगा। बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एवरेज स्पीड बताए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड बताए, ये कोई जरूरी नहीं है। बट एक सिचुएशन में हो सकता है, अगर मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर आता है, बट अगर मोशन अगर टू और थ्री डायमेंशनल है तो फिर ऐसा नहीं होता।
अगला है हमारा एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सलरेशन। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एवरेज एक्सलरेशन। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन को हम सिंपली ए लिख देते हैं और ये भी वेक्टर है, एवरेज भी वेक्टर है, और इसको लिखते हैं डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। जब भी हम एक्सलरेशन बोलेंगे का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन होता है, जब भी हम स्पीड बोलेंगे मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, जब भी हम वेलोसिटी बोलेंगे मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज एक्सलरेशन और एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बोलना होगा तो स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया होता है। सो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन जो है डीवी बाय डीटी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फीट पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह का यूनिट होता है। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है जो हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे। नाउ अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिस्कशन है जो अपने को करना जरूरी है। पहला डिस्कशन यह है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये है कि अगर हम बोलें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी बराबर होता है क्या, देन द आंसर इज नेवर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और डिस्टेंस एक स्केलर है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी बराबर नहीं हो सकता। बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, बस एक सिचुएशन में होगा, अगर मोशन वन डायमेंशन या यूनिडायरेक्शनल मोशन, वन डायमेंशन में हो। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन तो होना जरूरी है, बट डायरेक्शन मोशन का चेंज ना हो। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता चला गया तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होगा। उस भी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और डिस्टेंस एक स्केलर है। भले ही पार्टिकल यूनिडायरेक्शनल मोशन में क्यों ना चल रहा हो, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर तब भी नहीं होगा। उस सिचुएशन में भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस होगा। दूसरा चीज कि जैसे हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअली ये पार्टिकल यहां से चल के ए से चल के बी पे पहुंचा, ये पार्टिकल अगर यहां से चल के बी पे पहुंचा तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल हुआ, जबकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। सो मॉड वन डायमेंशनल मोशन को छोड़ के, वन डायमेंशनल नहीं मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन को, अगर हम बोले यूनिडायरेक्शनल मोशन को छोड़ के किसी भी सिचुएशन में डिस्टेंस हमेशा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा होता है। इक्वल टू सिर्फ एक सिचुएशन में होता है यूनिडायरेक्शनल मोशन, और लेस तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा पहला डिस्कशन था। दूसरा ये है डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर। कब डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर बराबर होता है, जैसे हमने देखा कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियली यहां से चल के अगर ऐसे ऐसे कहीं यहां पहुंचता है ये पार्टिकल, तो इनिशियली हम बोले तो ये हमारा इसका इनिशियल पोजिशन वैक्टर है, ये हमारा आर आई है, और ये किसी टाइम टी का पोजिशन वैक्टर है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है, और अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस पार्टिकल का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर माइनस आर आई। अब डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन के बराबर हो, तो ये तभी हो सकता है आर आई इज जीरो, ओनली वेन आर आई इज जीरो, जब इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का जीरो हो, मतलब पार्टिकल अगर मोशन ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और उस इंस्टेंट का पोजीशन वेक्टर बराबर होगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर दो अलग अलग चीज है। अगर मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पे, अगर पार्टिकल यहां पे, तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर दो अलग अलग चीज होगा। बट अगर ये मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर सेम चीज होगा। v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, ये तो हमेशा ही होता है, क्योंकि हमें पता है s जो होता है दैट इज इक्वल टू r माइनस आर आई, और डिफरेंशिएशन ऑफ r i क्या हो जाएगा, जीरो। सो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी आर बाई डी टी,
क्योंकि डी आर आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ही जीरो होता है, तो ये चीज तो हमेशा ये वैलिड रहेगा।